अब तो यादे रफ्तगां की भी पहुंच नहीं। ऐ मेरे खुदा की करा, मेरे शरीर दी पहुंच ते है नहीं, ते इत्थे ही खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा। पर करा कि मेरी याद भी तेरे तक नहीं जाती, नहीं जाती। तेनू याद करन बैठना संसार याद, तस्बी लेके तेनू याद करन बैठना परिवार याद आऊंगा। हे प्रभु तेनू याद करन बैठदा प्रभता याद आउंदी, धन याद आउंदा, कारोबार याद आउंदा। बिल्कुल ठीक है। अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं। दोस्तों ने कितनी दूर बसाई है बस्तियां, ऐ मेरे दोस्त तेरी बस्ती इतनी दूर है, इतनी दूर है, मेरी याद नहीं पहुंचती, याद नहीं पहुंचती। इस करके दूरी ने तो व्यापक है। अपनी समझ दी खोज परमात्मा दी खोज है। सिमरती दा पहुंच जाना परमात्मा तक, परमात्मा तक पहुंचना है, वरना वो व्यापक व्यापक। और उपरोक्त जिहड़े शब्द कहे जांदे ने परमात्मा दे कोल जाना है, इनू मोटे रूप च ना लै। परमात्मा की खोज करनी है, इनू किधरे बैरूनी रूप च ना लेना, व्यापक है। अपनी समझ की खोज परमात्मा की खोज, हर परयो स्वामी के द्यारे दीजे बुद्ध विवेक, सामत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें हरम। अपनी मत की खोज, अपनी समझ की खोज परमात्मा की खोज है। अपनी सिमरती का परमात्मा तक चले जाना, ये परमात्मा दे कोल जाना। जिड़े खोजी ने और दसा दिशावां दे खोजदे, हर जगह खोजदे, खोज खोज के जो उन्हां नूं मिलदा है बिरह बिछोड़, ते बिछोड़े दा कम है तड़पाना ते रुलाना। रोंदा है संसार भी परिवार दे विछोड़े च, कारोबार दे विछोड़े च, धन संपदा दे विछोड़े च, कौन नहीं रोंदा, सब रोंदे। बाली रोवे ना बतार, नानक दुखिया सब संसार, सारे ही रोंदे, सब रोंदे। सुकरात ते कहिंदा है, मेरा अनुभव कहिंदा, इंज लिखदा है कि सत्तां समुंदरां दे च वी इतना पानी नहीं है जितना पानी अज तक मनुख दी अखां च वग चुके। वो तो इंज कहिंदा, इन्हां अरबां खरबां सालां दे च मनुख जितना रोया है, जितना रोया है, कहिंदा इहदे सामने ते सत सागर भी कुछ नहीं, कौन नहीं रोंदा। रोंदे ने परिवार दे विछोड़े च, रोंदे ने कारोबार दे विछोड़े च, रोंदे ने धन संपदा दे विछोड़े च। ये रोना उल्टा हिरदे नूं बोझल करदा है, तन मन नूं रोगी करदा। जिस दिन सत्संग करदिया करदिया प्रभाव अदृश्य दा पै गया, और दृश्य दा पाव प्रभाव पैगा गुणा नूं सुन सुन के। बड़ा दयालु है, निर्वैर है, समदृष्ट है, ओ अथाह ज्ञान दा खजाना है, ओ शक्ति दा सोमा है, ओ सुहप्पण दा केंद्र है, ओ प्यार दी मूर्ति है। इस तरह के गुण सुनदिया सुनदिया जिहड़ा उस अदृश्य तो प्रभावित हो गया, ते पहचान की होवेगी, उहदे अंदर बिरह पैदा हो जाए। यह चाहीदा हुण, यह मैनूं चाहीदा। इहनूं कहिंदे ने बिरह विछोड़ा। यह विछोड़ा तड़पाएगा रुलाएगा। मैं बयान कर चुकिया पर सामने आ गए ने नंद लाल, आनंदपुर साहब की गल है, अद्धी रात का वकत ते मसिया दी रात। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस अद्धी रात नूं मसिया दी रात नूं चहलकदमी कर रहे ने, अपने अनुभव की दुनिया च खोए हुए, अपने ख्यालां की दुनिया च खोए एंड टहल चहलकदमी कर रहे हैं। कन्नां विच हौकियां की आवाज, एकदम सतगुरु दंग रह गए हैं इस वक्त।
ओके और बड़ी गहराई चो निकल देने, ओके बिछोड़े चो निकल देना मुझे नहीं भी कुछ बिछड़े कुछ चला गया जो चाहिदा सी ते जिस नाल बड़ा प्यार सी नहीं रहे ये तड़पावेगा रुलावेगा इस तो पहले होके निकल जिधर होके आ रहे सन पातशाह उधर चले गए। गौर नाल देख देन ते अंधेरी रात विच भी सतगुर पहचान गए इत नंद लाल बैठा है इस समय इथे चौकड़ा मार के और होके भर के सतगुर दी आभा इसने नंद लाल नु भी प्रभावित किया और सोच देने कोई मेरे कोल खड़ा है। अखां खोलियां शायर सन बैरों बा आमद आमए मन चूजे खाबे नाद सद ताना में जनद बैरुए आप ताबे सुबह इस सवेरे दा सूरज रात शायर ने शायराना अंदाज देच कहंदे सूरज ते सवेरे निकलदा या सूरज नाल सवेर आउंदी है ते अधी रात नूं रात सवेर दा सूरज एने ही बोलदे एने ही शायर ने कवि ने बैरों बा आमद आमए मन चूजे खाबे नाल सदता नामी जनद बैरुए आप ताबे सुन ये रात नू जड़ा सूरज चढ़े है ये उस सूरज ते लखा लानता पा रहे है जेदे नाल दिन होंदा है होंदा होवेगा दिन। नंद लाल कहंदे ने मेरी जिंदगी दी रात नू कदी ओ दिन विच नहीं बदल सके रात ही बनी रही मेरे अंदर ते अंधेरा बने ये सूरज उस सूरज नू लखा लानता था सदताना में जनर बैरुए आप ताबे सुबह रात नो सूरज खड़े हो गए। नंदलाल हाथ जोड़ के सजदा करके महाराज कहंदे ने मैनू दसेंगा नंदलाल ये आसमान मैनू काला क्यों दिखाई दे रहे काला कि हुण मसिया दी रात होवे ते अद्धी रात होवे ते आसमान ते काला ही दिखाई दे। रमज दे च बोल प्रश्न कि काला क्यों दिखाई दे रहे अगों भी रमजी बंदे ने कहंदे ने महाराज मैं कवि हाँ शायर हाँ बड़ा सेवक हाँ सिख हाँ मैं विज्ञानक नहीं हाँ साइंटिस्ट नहीं ये कालक क्यों दिखाई देती है मैं प्राकृतिक खोजी नहीं विज्ञानक नहीं साइंटिस्ट नहीं एक अदना सेवक थोड़ा ते शायर। महाराज कहने तू कबूल कर रहा है शायर है शायर है शायर दी कल्पना आती है शायर दा तखयल आता है शायर ख्यालां दी दुनिया जींदा है कल्पनावां दी दुनिया जींदा है शुद्ध कल्पना चंगे ख्याल चल तू अपने तखयल नाल दस आसमान काला क्यों दिखाई दे रहा है मैनू शायर ते हैं तू कबूल कर ले कवि ते हैं तेरी कल्पना की आखदी है तेरा तखयल की आखदा है। भाई साहब दसदे ने रंगश कबूद कर दिले अज पुर सुरार साख्त अज बस के दूदे आहे मन अज आसमां गुजस्त ए मेरे बादशाह ए हिरदा जद परमात्मा लई तड़पे तड़पे बिरहा पैदा होया फिर होके निकले ए होके आसमान तक पहुंचे ने ते मेरे इना होकिया नहीं साड़ के काला कर। महाराज ने गलवकड़ी च लै ले इतना बिरहा इतना बिरहा। सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने
मिलाप दे आनंद लई इतनी बिरहे दी पीड़ा चाहिए चाहिए रब दा नियम प्रभु दा नियम। महाराज इत्थे कहिंदे ने बिरहे नाल भरे होए पुरश दसां दिशावां दे खोज करदे हैं किधरों इस पासे रब दी गल सुनन नूं मिल जाए उत्थे मिल जाए उत्थे मिल जाए उत्थे मिल जाए। हर वक्त प्रभु दे चरण कमलां दी खोज ये बिरही मनुख हर पासे दा।